मसाला बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून काली मिर्च भुनी हुई, 2 टेबलस्पून हमने भुना हुआ जीरा लिया है और 1.5 टेबलस्पून हमने लिए सौंफ, ये भी हमने भून ली है। और ये साबुत जो धनिया है ये भी 1.5 टेबलस्पून हमने धनिया लिया है साबुत, ये भी भून लिया। इसमें हमने ये 6 छोटी इलायची, 4 लौंग और 3 ये काली इलायची, इन सब को हमने सूखा भून लिया है। अब हम इसको पीसेंगे। ये जो हमारा मसाला भुना हुआ था उसको हमने पीस लिया, छान लिया। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबलस्पून अमचूर, 1 टेबलस्पून काला नमक और 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे सादा नमक और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे लाल मिर्ची। ये जो लाल मिर्ची है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये जो मसाला हमारा बना है ये हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, सैलेड पर यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का टेस्ट कम ज़्यादा आप अपने मन से कर सकते हैं। तो हमारा ये भुना मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है।